नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं अंशुल राजपूत, करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अगले हफ्ते से भारत में मिलेगी वैक्सीन, जुलाई से देश में ही शुरू होगा उत्पादन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन की बिक्री भारत में शुरू हो जाएगी। 2 बिलियन डोज भारत में अगले 5 महीनों में उपलब्ध होगी। देसी और विदेशी वैक्सीन दोनों भारत में लगने लगेगी। स्पुतनिक अक्टूबर तक भारत में ही उत्पादित होकर मिलने लगेगी। आपको बता दें, देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, डॉक्टर बलराम भार्गव, ICMR और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल मौजूद रहे। लव अग्रवाल ने बताया कि देश के 187 जिलों में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना मामलों में गिरावट जारी है। 24 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% तक है, जबकि 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से अधिक कोरोना के केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि अब धीरे धीरे फिर से रिकवरी रेट बढ़ रहा है। मौजूदा समय में रिकवरी रेट 83.26% है। अब केस भी घट रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग भी अब सबसे अधिक हो रही है। लव अग्रवाल ने बताया कि बिहार में एक्टिव केस 1 लाख से नीचे आ गए हैं। 16 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केस की बात करें 50,000 से कम हैं। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली में अब नए केस कम आने शुरू हो गए हैं। देश में 24 राज्य शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 5 से 15% पॉजिटिविटी रेट 8 राज्यों में है। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट 4 राज्यों में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मामले हैं। 8 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव मामलों की संख्या बनी हुई है। 16 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से भी कम एक्टिव मामलों की संख्या बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक 83.26% मामले ठीक हुए हैं। देश में करीब 37.1 लाख एक्टिव मामलों की संख्या बनी हुई है। 3 मई को रिकवरी रेट 81.3% थी, जिसके बाद रिकवरी में सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटों में देश में 362,727 मामले दर्ज किए गए हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो इसके बारे में हम आपको बताएं, अब तक 17.72 करोड़ लोगों को डोज दी जा चुकी है, जिसमें 13.76 करोड़ फर्स्ट डोज, 3.96 करोड़ सेकेंड डोज है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत में रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक आ चुकी है। इसकी बिक्री अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन की बिक्री भारत में शुरू हो जाएगी। 2 बिलियन डोज भारत में अगले 5 महीनों में उपलब्ध होगी। देसी और विदेशी वैक्सीन दोनों भारत में लगने लगेगी। स्पुतनिक अक्टूबर तक भारत में उत्पादित होकर मिलने लगेगी। मंत्रालय ने बताया कि सरकार की इस नीति और आंकड़ों के साथ किसी को शक ना हो कि वैक्सीन का संकट होगा, सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य स्वायत्तता चाहते हैं कि जो अब केंद्र ने दे दी है WHO से जो वैक्सीन अप्रूव है, उनको भारत में मंजूरी मिलेगी। आयात लाइसेंस की कोई पाबंदी नहीं होगी। जनता और राज्यों की मांग और ज़रूरत पर ये जो कदम उठाए गए हैं, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मिलाकर भारत में और भारतीयों के लिए अगस्त दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ खुराकें भारत में निर्मित होंगी। तो बता दें आपको, अगले हफ्ते से भारत में मिलने लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। जुलाई से देश में ही शुरू होगा उत्पादन। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हिमालिनी टेलीविज़न के साथ।